क्वेश्चन नंबर 521 क्वेश्चन है हमारा, ओवर द प्लानिंग पीरियड द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द जीडीपी ऑफ इंडिया हैज। जो प्लानिंग पीरियड रहा ना आजादी के बाद 1951 से, जो हमारा प्लानिंग पीरियड शुरू हो गया ना, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, सेकंड फाइव ईयर प्लान, ठीक है, इस टाइप से जो प्लानिंग पीरियड रहा, इसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना जीडीपी में, उसका क्या हुआ, मतलब ये इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, रिमेन्स द सेम, ठीक है, या रिमेन अबव 40%, तो क्या हुआ। चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन रिमेन कॉन्स्टेंट, और चौथा ऑप्शन रिमेन अबव 40%। तो मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी ना, वो आई थी 1948 में। रीजन क्या था कि जो देश डेवलप्ड हैं, आप जितने भी दुनिया के देश देख लीजिए, जितने भी डेवलप्ड देश हैं, वहां सेकेंडरी सेक्टर, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, वो उनकी बदौलत डेवलप्ड है। इंडिया में आज भी 70% पॉपुलेशन, मतलब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, डायरेक्टली जितने जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, जो एग्रीकल्चर कर रही है, वो 48.9% पॉपुलेशन आज के डेट में भी एग्रीकल्चर कर रही है, और दे आर नॉट इवन ब्रिंगिंग द 15% ऑफ जीडीपी, वो 15% भी जीडीपी का लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के बाद भी आप जीडीपी इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, वो भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन, मतलब इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन काम कर रही है उसका 50% एग्रीकल्चर में काम कर रही है और ग्रोथ नहीं हो पा रहा। और हमने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं पूरे दुनिया में जहां की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है लेकिन बहुत डेवलप्ड है इंडिया से, जैसे जापान की बात करें, वहां की इंडिया की कंपेरेटिव बहुत कम लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, आप देखिए वहां की जीडीपी कितनी हाई है, वहां का पर कैपिटा इनकम कितना ज्यादा है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि ओवर द प्लानिंग पीरियड, जो इंडिया में पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1948 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना, वो जीडीपी के कंपेरेटिव, मतलब वो धीरे 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 बढ़ने लगा और आज भी बढ़ रहा है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया कि इसमें और भी डेवलपमेंट लाने के लिए और भी चेंजेस किए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर के आए, जिससे इंडिया में बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई है, और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, नई नई फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी हमारे देश में, और इससे देश डेवलप करेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ओवर द प्लानिंग पीरियड द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द जीडीपी ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 522, और क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डैश वी नो दैट द फर्म्स आर अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन जब आती है तो हमें यह मालूम है कि जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। जब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है तो क्या फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। दूसरा ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तीसरा ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और चौथा ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन डी, वी नो दैट फर्म आर अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 523, और क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स डैश कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व किस कर्व को कट करता है एट देयर मिनिमम पॉइंट, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज कॉस्ट कर्व। दूसरा ऑप्शन है एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तीसरा ऑप्शन है हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज कॉस्ट कर्व एट देयर मिनिमम पॉइंट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 524 क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी डैश। इन्होंने पूछा है कि जो लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है ना, उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, ऑप्शन ए, क्या उसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्या उसमें लेस प्रोडक्शन होता है, या क्या उसमें कॉस्ट विल बी फॉलोइंग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी नॉर्मल प्रॉफिट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लॉन्ग रन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 525, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मोनोपोलिस्ट कैन अर्न ओनली प्रॉफिट्स, ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है
फर्म्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आर प्राइस मेकर्स? ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इंडस्ट्री इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ प्राइस टेकर। और चौथा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर सेम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर सेम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऊपर की तीन ऑप्शन क्यों नहीं है। देखिए, मोनोपोलिस्ट कैन अर्न ओनली प्रॉफिट, जरूरी नहीं है कि मोनोपोलिस्ट हमेशा जिंदगी भर प्रॉफिट अर्न करे, उसको भी लॉस होता है। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट कैन अर्न प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट्स गलत है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दूसरा कह रहे हैं फर्म्स इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट आर प्राइस मेकर, सॉरी इट्स नॉट प्राइस मेकर, इट इज प्राइस टेकर। ठीक है, यहां पे फर्म की बात की जा रही है, फर्म्स परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में प्राइस टेकर होते हैं, ना कि प्राइस मेकर होते हैं। और तीसरा कह रहे थे कि इंडस्ट्री, देखिए ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन है, मैंने जब पहली बार पढ़ा था मुझे भी डाउट हुआ था। पहले यहां पे ऊपर फर्म्स की बात की जा रही है और नीचे यहां पे इंडस्ट्री की बात की जा रही है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। आपको मालूम है क्या डिफरेंस है? इंडस्ट्री इज परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट इज अ प्राइस टेकर, सॉरी इंडस्ट्री इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट इज अ प्राइस मेकर। तो यहां पे बहुत अच्छा खासा कंफ्यूज कर दिया है कैंडिडेट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जहां पे ये कहा जा रहा है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर सेम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 526 और क्वेश्चन है हमारा सोप इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सवाल पूछा गया है कि सोप इंडस्ट्री इनमें से किसका एग्जाम्पल है। ये चार मार्केट स्ट्रक्चर दिए हैं और पूछा गया है कि सोप इंडस्ट्री इनमें से किसका एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है हमारा ओलिगोपोली, दूसरा ऑप्शन है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और चौथा ऑप्शन है हमारा मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ओलिगोपोली में जो पहला ऑप्शन है, ओलिगोपोली में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो होते हैं लेकिन स्मॉल नंबर्स ऑफ बिग सेलर्स होते हैं। ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं इवन 8, 10, 15, 20 से ज्यादा सेलर्स होते भी नहीं है ओलिगोपोली में, और ये बहुत बड़े सेलर्स होते हैं जो पूरे मार्केट को कैप्चर करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा सोप इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं, इतनी कंपनीज हैं कि आप उनका नाम भी नहीं जानते। इवन अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाकर के सर्च करेंगे तो आपको नए नए ब्रांड्स, नए नए कंपनीज, और ये हर रोज ऐड होते चले जा रहे हैं। ओलिगोपोली में एक तो बहुत ज्यादा फंड चाहिए आपको आने के लिए मार्केट के अंदर, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो ओलिगोपोली नहीं है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज जस्ट लाइक अ बेंचमार्क, परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो आज के टाइम पे सस्टेन करता ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी नहीं है। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि सिंगल सेलर, तो सोप कंपनीज, जो सोप इंडस्ट्री है उसमें सिंगल सेलर तो है नहीं, आपको मालूम है बहुत सारी कंपनीज हैं जो साबुन बना बना करके बेच रही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वेयर देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 527, क्वेश्चन है हमारा अ प्योर कॉम्पिटिटिव फर्म्स सप्लाई स्केड्यूल इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय। एक प्योर कॉम्पिटिटिव फर्म का सप्लाई स्केड्यूल जो है शॉर्ट रन का, वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इट्स एवरेज रेवेन्यू, दूसरा ऑप्शन है इट्स मार्जिनल रेवेन्यू, तीसरा ऑप्शन है इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और चौथा ऑप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मनी कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अ प्योर कॉम्पिटिटिव फर्म्स सप्लाई स्केड्यूल इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 528 और क्वेश्चन है हमारा व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट अ फर्म शुड। सवाल पूछा जा रहा है कि एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल पे अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो फर्म को क्या करना चाहिए। ठीक है, अ फर्म शुड, वी हैव फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा अ फर्म शुड शट डाउन सिंस इट कैन नॉट रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन है अ फर्म शुड प्रोड्यूस वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इफ ऑपरेटिंग इन शॉर्ट रन। अगर फर्म शॉर्ट रन के लिए ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है शॉर्ट रन के लिए, तो उसे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर इस हिसाब से काम करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा
फर्म शुड प्रोड्यूस वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इफ ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अ फर्म शुड शट डाउन सिंस इट कैनॉट रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर फर्म का जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उससे कम उसका प्राइस है, प्राइस इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अ फर्म शुड शट डाउन सिंस इट कैनॉट रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 529 क्वेश्चन है हमारा, अ फर्म एनकाउंटर्स इट्स शटडाउन पॉइंट व्हेन, एक फर्म अपना शटडाउन पॉइंट कब एनकाउंटर करता है, मतलब कब फेस करता है, किस सिचुएशन पे उसे ये समझ में आता है कि ये हमारा शटडाउन पॉइंट है, अब फर्म को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। तीसरा ऑप्शन है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। और चौथा ऑप्शन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ फर्म एनकाउंटर्स इट शट डाउन पॉइंट व्हेन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। जस्ट इसके पिछला जो क्वेश्चन था वो एकदम यही क्वेश्चन था, घुमा करके ये सवाल पूछा है। आपको याद होगा अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझा है ध्यान से, तो आप देख रहे होंगे कि वही चीज है कि अ फर्म एनकाउंटर्स इट शट डाउन पॉइंट व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 530, और क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बाय अ फर्म इज वेरी लार्ज। इनमें से किस मार्केट स्ट्रक्चर में जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है ना प्राइस के ऊपर एक फर्म द्वारा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इम्परफेक्ट कंपटीशन। देखिए दो टाइप के कंपटीशन होते हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन जो एक्चुअली होता ही नहीं है, जो एक हिसाब से बेंचमार्क है। ठीक है, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है इम्परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन है मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन है ओलिगोपोली, और चौथा ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मोनोपोली। मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बाय अ फर्म इज वेरी लार्ज। तो मोनोपोली में जो फर्म होता है ना, जो प्रोड्यूसर होता है, वो अपने प्रोडक्ट को का जो प्राइस होता है ना उसको सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 531 क्वेश्चन है हमारा फॉर द प्राइस टेकिंग फर्म्स। जो फर्म्स प्राइस टेकर्स होते हैं, चार पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस। प्राइस टेकिंग फर्म्स के लिए कहा जा रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से कम हो जाता है, मतलब कम होता है। दूसरा ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन प्राइस। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इज नॉट क्लियर। और चौथा कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉर द प्राइस टेकिंग फर्म मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है प्राइस टेकिंग फर्म के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 532 और क्वेश्चन है हमारा इंडिकेट द सूटेबल मैच। हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और चारों को स्टेटमेंट को मैच कराया गया उनके एक इकोनॉमिस्ट के साथ, और पूछा जा रहा है कि आप सूटेबल मैच को इंडिकेट कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये बात एडम स्मिथ ने कही थी। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटीरियल वेलबींग, ये बात सेमलसेल ने कही थी। तीसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, ये बात मार्शल ने कही थी। और चौथा ऑप्शन है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बात सैमुएलसन ने कही थी। तो ये चार डेफिनेशन हैं चार बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के, और पूछा जा रहा है कि कौन सी डेफिनेशन किस इकोनॉमिस्ट ने एकदम सही सही दी थी। ठीक है, कौन सा मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ ने कहा था
इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन और राइट मैच है, बाकी तीनों नीचे के गलत मैच है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 533 और क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज फाउंड इन, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो अधिकार है ना वो किस टाइप की इकोनॉमी में पाया जाता है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है सोशलिज्म, दूसरा ऑप्शन है कैपिटलिज्म, तीसरा ऑप्शन है मिक्स्ड इकोनॉमी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज फाउंड इन ऑप्शन बी कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है ना, जो भी डेवलप्ड नेशंस है ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जो भी बड़े बड़े देश हैं डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां पे बेसिकली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है और ज्यादातर चीजें प्राइवेटाइज्ड हैं। ठीक है, तो राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज फाउंड इन कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 534 क्वेश्चन है हमारा, रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज, जो रॉबिन्स है ना उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या डिफाइन किया था। ठीक है, वी हैव फोर स्टेटमेंट्स, पहला जो ऑप्शन है वो है साइंस ऑफ वेल्थ, क्या रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा था। दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ मटीरियल वेलबींग, तीसरा ऑप्शन रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, और चौथा क्या है रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, रॉबिन्स ने जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था वो था साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। ठीक है, रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 535 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सही नहीं है बोल रहे ना, इट्स नॉट ट्रू, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के सेंस में। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सेज नथिंग अबाउट द एंड्स, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद मॉरल जजमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद मॉरल जजमेंट्स, और चौथा ऑप्शन है अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स एथिकल वैल्यूज, एथिकल का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, एथिकल वैल्यूज एक हिसाब से मॉरल वैल्यूज होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ठीक है वो है ऑप्शन सी, एक्चुअली ऑप्शन सी इज जो सवाल पूछा गया था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। रीजन क्या है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, ठीक है, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो मॉरल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड होता है, तो इन्होंने बोला था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मॉरल जजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, तो जो कि ये गलत है, और सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गलत है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के बेसिस के ऊपर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 536 और क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, माइक्रो इकोनॉमिक्स का और क्या नाम है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन प्रोडक्ट थ्योरी, दूसरा ऑप्शन प्राइस थ्योरी, तीसरा ऑप्शन प्रोसेस थ्योरी, और चौथा ऑप्शन प्रोजेक्शन थ्योरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 537 और क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस फ्लक्चुएशंस, इनमें से किस इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, मतलब किस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस के फ्लक्चुएशंस में, मतलब कोई भी प्राइस बढ़ रहा घट रहा है तो गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करती। ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है ये चीज। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है मार्केट इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन है कमांड इकोनॉमी, तीसरा ऑप्शन है मिक्स्ड इकोनॉमी, और चौथा ऑप्शन है रेगुलेटेड इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी इज अ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस फ्लक्चुएशंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 538 और क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंस्पायर्ड बाय द कीनीसियन मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कीनीसियन मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच द्वारा इंस्पायर्ड है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, सप्लाई कैन क्रिएट इट्स ओन डिमांड इन आउटपुट फ्रॉम इट्स पोटेंशियल फॉर इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड्स. दूसरा ऑप्शन है हमारा, सप्लाई कैन नॉट क्रिएट इट्स ओन डिमांड एंड देयर कैन नॉट बी अ डेविएशन इन आउटपुट फ्रॉम इट्स पोटेंशियल फॉर आइडेंटिफाइड लॉन्ग पीरियड्स. तीसरा ऑप्शन है, सप्लाई कैन नॉट क्रिएट इट्स ओन डिमांड एंड देयर कैन बी अ डेविएशन इन आउटपुट फ्रॉम इट्स पोटेंशियल फॉर इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड्स. और चौथा ऑप्शन है, सप्लाई एंड डिमांड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप वीडियो पॉज करके एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा और समझिएगा, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वैसे हम भी कोशिश करते हैं कि मतलब हमारे तरफ से कोई कमी ना रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो कीनीसियन मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच द्वारा जो भी स्टेटमेंट इंस्पायर्ड है वो है ऑप्शन सी. ठीक है, सप्लाई कैन नॉट क्रिएट इट्स ओन डिमांड एंड देयर कैन बी अ डेविएशन इन आउटपुट फ्रॉम इट्स पोटेंशियल फॉर इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड्स. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 539. और क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक्स इज वॉट इकोनॉमिस्ट डू, हु स्टेटेड दिस स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट है और पूछा जा रहा है कि इन चारों महापुरुषों में से किसने ये स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट था, इकोनॉमिक्स इज वॉट इकोनॉमिस्ट डू. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा ऑप्शन है सैमुएलसन, चौथा ऑप्शन है जैकब वाइनर. तो ये जो चौथे वाले ना, इन्होंने दिया था, जैकब वाइनर ने ये स्टेटमेंट दिया था, इकोनॉमिक्स इज वॉट इकोनॉमिस्ट डू. ठीक है, जैकब वाइनर स्टेटेड दिस स्टेटमेंट वेयर ही सेड इकोनॉमिक्स इज वॉट इकोनॉमिस्ट डू. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 540. और क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम पीपीसी कर्व कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज. ठीक है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो पहला ग्राफ आपने पढ़ा होगा वो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स की बात की जा रही है. इन्होंने कहा कि उसका और क्या नाम है, मतलब वो और किस नाम से फेमस है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं. दूसरा ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, और हो सकता है कि ऊपर के दोनों ऑप्शंस भी पढ़े होंगे. ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के तीन तीन नाम और हैं. ठीक है, टोटल चार नाम से फेमस है.